बलवंत मुल्तानी कतल मामले विच सुमेध सैनी नूं हाई कोर्ट तो राहत नहीं मिली है। दस दें कि केस की जांच सीबीआई जां किसी होर एजेंसी नूं ट्रांसफर करन दी पटिशन जो दायर कीती गई सी उस नूं कोर्ट ने रद्द कर दिता है। एक वड्डा झटका साबका डीजीपी सुमेध सैनी नूं लग्या है। बलवंत मुल्तानी कतल मामले विच सुमेध सैनी नूं हाई कोर्ट तो कोई राहत नहीं मिली। अज केस की जांच सीबीआई जां किसी होर एजेंसी नूं ट्रांसफर करन दी पटिशन दायर कीती गई सी जो खारिज हो गई है। जस्टिस अमोल रतन सिंह ने पटिशन ते सुनवाई तो इनकार कर दिता है। चीफ जस्टिस नूं सुमेध सैनी की पटिशन हुण भेजी गई है। पटिशन ते केड़ी बेंच सुनवाई करेगी या चीफ जस्टिस इसका फैसला करेंगे। दस दें कि अगाऊ जमानत ले ली साबका डीजीपी ने हाई कोर्ट का रुख किया। अमनप्रीत साडे नाल जुड़े ने। अमन, एक उम्मीद की जा रही थी शायद साबका डीजीपी वालों कि उन्होंने उन्होंने जिहड़ा केस है ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन एक होर झटका उन्होंने अज फिर लग्या। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कल मोहाली कोर्ट से एक वड्डा झटका उन्होंने लगे से सेम उस तरीके हाई कोर्ट तो एक वड्डा झटका जरूर उन्होंने लगे है, क्योंकि जिस तरीके सीबीआई इनकुआरी की मांग कर रहे थे कि सीबीआई इनकुआरी की मांग की जाए, कोई बाहर की एजेंसी जिहड़े पंजाब की जिहड़ी एजेंसी है इस मामले की जांच ना की जाए। हालांकि इस मामले में एक सीएम भी दाखिल की गई थी जिस विषय साफ तौर पर कहा गया कि सीबीआई जांच सीबीआई का पहला ही जो कि इन्होंने सर्विलेंस काम कर रही है सुमेध सैनी के, सो जो कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर वालों जी याचिका जी सीएम जी दाखिल की गई थी। याचिका के अंदर कहा गया कि सीबीआई इनकुआरी नहीं होनी चाहिए इस मामले के अंदर, और ना ही उन्होंने ये भी गल जी कोर्ट के सामने रखी थी कि एसआईटी को किसी भी तरीके की जी कि सहयोग नहीं दे रही, उन्होंने को डॉक्यूमेंट्स होने तो बावजूद भी सीबीआई किसी तरीके का सहयोग नहीं कर रही है। अज जिस तरीके के नाल कोर्ट में यह मामला जो गया तो जज ने सामने कोर्ट ने मामला सुनने तो साफ इनकार करते हुए मना कर दिया और इसको हूँ चीफ जस्टिस के कोल भेज दिया गया। हूँ उही जो कि डिसाइड करेंगे कि इस मामले का जो कि बेंच इस मामले में सुनवाई करेगा, किस बेंच के उपर सुनवाई होगी, क्योंकि लगातार जदों की ये याचिका कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है हर बार जी कि डेट ही अर्जन ही केस किया गया है, और पिछली बार भी जो सुनवाई हुई थी उदों भी कोर्ट में जो समा ले जो कि सरकार वालों लिता गया थी, लेकिन अज जिस तरीके ना कोर्ट ने सुनने तो इनकार कर दिया मुड़ तो, कहा जा सकता है कि झटका भी है क्योंकि उम्मीद थी कि शायद सीबीआई इनकुआरी तो उन्होंने जी थोड़ी जी राहत मिलेगी, और नाल ही अज उन्होंने वालों एक फाइलिंग भी की गई है जो कि मोहाली कोर्ट में केस लग्या होया सी जिसके अंदर कल उन्होंने एक बड़ा झटका लग्या सी, उसी ऑर्डर से उन्होंने मोहाली हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। यानी कि हुण वेखना यह भी रहेगा कि क्या जिस तरीके ना जनों मोहाली कोर्ट तो झटका मिले थे क्या हाई कोर्ट तो कोई राहत तो मिलती है नहीं, हरे सिर्फ फाइलिंग ही की गई है इस मामले की, लेकिन सुनवाई कदों होगी कदों रजिस्ट्री में प्रॉपर इसको पास किया जाएगा हले कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन फाइलिंग जरूर कर दी गई है। देखना बहुत अहम रहेगा कि इस मामले में खारिज हो गई।